हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे HP इंक इंडवाजेट प्रिंटर 3545 मॉडल है, इसका कैरेज कैसे रिप्लेस करते हैं। तो एक्चुअली आप देख लो कि प्रिंटर में एरर क्या आ रहा है। मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ, जैसे कि देख रहे हो प्रिंटर ऑन हो रहा है। अरे मॉडल नंबर है, पेपर लोडेड है, प्रिंटर ऑन हो रहा है। स्कैनर यूनिट मूविंग कर रहा है, प्रिंटर रेडी हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंक कार्ट्रिजेस प्रॉब्लम दिखा रहा है, ब्लैक कार्ट्रिज का एरर दे रहा है। एक्चुअली ब्लैक कार्ट्रिज को सेंस नहीं कर रहा है। जैसे कि ओपन करके दिखाता हूँ आपको, आ गया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कार्ट्रिज डाला हुआ है, पर ये सेंस नहीं कर रहा है। ओके, ये डोर का सेंसर बंद कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कार्ट्रिज प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो आप देखेंगे इसका कैरेज कैसे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले टूल चाहिए, यह है स्टार T10 और यह है माइनस का बीट। और प्रिंटर को खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ एक पैनल है, पैनल के पीछे एक स्क्रू होता है जिससे पैनल निकल जाता है। तो प्रिंटर को हम सबसे पहले बंद कर लेते हैं। ओके, प्रिंटर बंद हो रहा है। ओके, प्रिंटर बंद हो चुका है। पीछे से पावर केबल निकाल देता हूँ मैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो पैनल है ये फ्लिप थोड़ा सा निकाल दिया मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो खोलना होता है हमें। अब ये स्क्रू मैं खोल देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो। ये रहा स्क्रू, ये स्क्रू खुल चुका है, ये फिटिंग कर। और अब ये पैनल कैसे निकालेंगे, पैनल निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। पैनल को मूविंग करना है, इधर पुश करना है राइट साइड में और ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे। ये देखिए हाथ में आ गया है। तो हम पैनल का केबल निकाल देते हैं यहाँ से आहिस्ता से, ताकि कोई डैमेज ना हो। अभी पैनल निकालने के बाद हमें क्या करना है, एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू यहाँ पर है, एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे और एक यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, और इसको निकालने के बाद एक स्क्रू इसके अंदर है। तो इतने स्क्रू मैं खोल लेता हूँ फटाफट वीडियो, ताकि लंबी हो जाएगी, इसके लिए वीडियो को पॉज कर। मैंने सभी स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। तो अभी इसको वहाँ से उठाना है अपने को मैनुअली नॉर्मल। ये वायर है साइड से निकाल देना है आराम से। और यहाँ पे
का एक तो लॉक होता है वो निकाल देना है, साइड पर रख दिया मैंने। और ये ADF है, स्कैनर का केबल आपको निकालना है आराम से, ये तो लगे देन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने को कैरेज निकालना है, तो कैरेज के लिए ब्लैक एंड रेड केबल है जो कि आपने अभी दिख रहा होगा, ब्लैक और रेड यहाँ से निकाल देना है। ओके, मैंने केबल निकाल दिया है। अब यहाँ पे एक स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे होता है, एक सेकेंड, एक स्क्रू यहाँ पे होता है और एक स्क्रू खोलना होता है, एक स्क्रू इसके जस्ट नीचे होता है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। ये खोलने के बाद इसके नीचे आता है, तो मैं फटाफट खोल लेता हूँ फिर वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मैंने निकाल दिया है, यह है कैरेज यूनिट का, यहाँ से केबल निकाल देते हैं। ओके, ये ऊपर की फ्लिप निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। केबल को सीधा करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से खींच के निकाल देंगे, तो अपना ये यूनिट अलग हो गया है, आप देख सकते हो। साइड पर रख दिया, ये है अपना कैरेज यूनिट। कैरेज यूनिट के लिए अभी हमें ये साइड से स्प्रिंग निकालना होगा, इधर से भी स्प्रिंग निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। देख सकते हो ये मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे एक लॉक होता है सी टाइप का, ये भी मैं निकाल देता हूँ। लॉक निकल चुका है, ये है सी टाइप का लॉक। ऐसे ही एक यहाँ पर भी है स्प्रिंग, वो निकाल देते हैं। वीडियो कट करते हुए भी इतनी बड़ी हो गई, देखिए ये मैंने निकाल दिया। ये रॉड को अभी हम लेफ्ट साइड खींचते हैं, देखिए रॉड निकल रहा है, और ये निकाल देते हैं इनकोडर यहाँ से। इनकोडर मैंने निकाल दिया है, साइड पे आ गया है। अभी हमें इसका बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट यहाँ पे स्प्रिंग है जो दबती है, बेल्ट को यहाँ से निकालना है, दबा के निकलना, यहाँ से निकलना। और ये अपना ख़राब कैरेज यूनिट आ गया है, अभी हमें नया डालना है, तो नए के लिए हमारा दूसरा कैरेज यूनिट है जो हमें इसमें डालना है, तो हम इसको फिटिंग करते हैं। और फिटिंग करने के लिए यहाँ पे देखो ये लॉक होता है, ये मेटल की बॉडी के अंदर जाना चाहिए, मैं अकेले हूँ इसके लिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो ये हो चुका है, एंड ये जो है यहाँ से बाहर आ चुका है। ओके, अभी हमें
चाहिए। ये स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा के इसको बेल्ट को अंदर फिटिंग कर लेना है ऐसे ही। ओके, हो चुका है। ये मैंने फिटिंग किया यहाँ पे और ये यहाँ पे मैंने फिटिंग कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और ये जो अपना इनकोडर है इसको हल्का सा खींच के अभी आप देखिए यहाँ पे जो लॉक है इसके अंदर ये फिटिंग होता है। अभी देखिए ये हो गया फिटिंग। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो रॉड है रॉड को इसके अंदर से लेना है गैरेज के और यहाँ से उसके बीच से निकालना है हमें। ये देखिए आ गया है, यहाँ पे इसके अंदर से डालने के निकलना है। ओके, निकल गया है। तो अभी यहाँ पे हम ये चीज बिठा लेते हैं, ये दोनों चीज, और गैरेज को फिटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड, मैंने इस साइड भी प्रॉपर स्प्रिंग वगैरह लगा के फिटिंग कर दिया है और इस साइड भी प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। अब प्रिंटर में फिटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखो अभी यहाँ पे फिटिंग कर दिया है, स्क्रू लगाना बाकी है। स्क्रू लगा देते हैं बाय एक करके। तो एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा, एक स्क्रू यहाँ पर रहेगा, ओके। एक स्क्रू यहाँ पर लग जाएगा। एक स्क्रू इसके नीचे लगेगा, जो मैंने आपको बताया था, ये खींच के। ओके, दबा दिया है मैंने, यहाँ के लिए इसको टाइट कर देते हैं। वहाँ पे मैंने इसको टाइट कर दिया है, एक इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं इसके ऊपर। ओके, एक इसको और टाइट करते हैं यहाँ पे। ये अर्थिंग का वायर है, अर्थिंग के वायर के साथ में इसको टाइट होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो टाइट हो रहा है। ओके, टाइट कर दिया है मैंने।
अभी यहाँ पे पैनल फिटिंग कर लेते हैं, प्रिंटर को चेक कर लेते हैं। उसके पहले एक केबल लगा देते हैं यहाँ पे कैरेज को। केबल फिटिंग कर देते हैं यहाँ पे। केबल फिटिंग हो चुका है, सारे कुछ लग गए हैं। पावर का केबल यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। पावर का केबल कनेक्ट कर लिया है मैंने। अभी ये डिस्प्ले का केबल फिटिंग कर लेते हैं, फिर प्रिंटर चालू। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने डिस्प्ले का केबल फिटिंग कर लिया है एंड अभी प्रिंटर चालू करते हैं। केबल भी लगा दिया है पीछे, अब यहाँ से प्रिंटर ऑन करते हैं। ओके, मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर ये डोर सेंसर है। ऑन हो रहा है प्रिंटर। डोर ओपन का मैसेज आ रहा है, इसे डोर सेंसर है। यहाँ पे कागज डालते हैं, कार्ट्रिज मिसिंग का मैसेज आ रहा है। ओके, अभी कार्ट्रिज इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे। ब्लैक कार्ट्रिज का एरर दे रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ब्लैक इंस्टॉल कर दिया है मैंने दोनों कार्ट्रिजेस एंड डोर सेंसर पे कागज डाल देते हैं, चेक करते हैं। ओके, अब पेन पेपर मांग रहा है, मैंने डाल दिया है एक पेपर, चेक करते हैं प्रिंट करके। प्रिंटर ने पेपर ले लिया है, प्रिंट हो रहा है। तो ये अलाइनमेंट पे जा चुका है, अभी हम इसको स्कैन कर लेते हैं। और अब इसको हम रखते हैं यहाँ से, ओके कर देते हैं स्कैन के लिए। तो स्कैनिंग कर रहा है प्रिंटर। ओके, अभी डिफॉल्ट प्रिंटर इज रेडी। ओके, प्रिंटर को प्रॉपर पैक करके आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर पूरे तरीके से पैक कर दिया है मैंने, देख सकते हैं पूरा पैनल फिटिंग कर दिया है। यहाँ पे जितने सारे स्क्रूज थे सभी फिटिंग कर दिए हैं,
आठ टोटल। और अब प्रिंटर को चालू करते हैं। और एक ख़ास बात, अगर आप प्रिंटर को खोलते हैं रिपेयर करते हैं तो ये जो होता है गैरेज का एक छोटा सा लॉक होता है ये वाला, जो गैरेज को अप डाउन पेपर कभी फंसता है तो उसके काम में आता है। ओके, प्रिंटर को ऑन करते हैं। प्रिंटर ऑन हो रहा है। डोर सेंसर का ये है, यहाँ पे मैं इसको ढाल रख देता हूँ थोड़ा। ओके, फ्रेंड्स ये रहा हमारा पुराना कैरिस जिसका ब्लैक स्लॉट नहीं काम कर रहा है। तो प्रिंटर रेडी है एंड हम कुछ प्रिंट करते हैं। अभी ब्लैक का एरर दे रहा था तभी हम कुछ प्रिंट निकालते हैं। टूल्स, ओके, प्रिंटर स्ट्रेस रिपोर्ट प्रिंट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाउ प्रिंटिंग एंड प्रिंट कर रहा है। देख सकते हो प्रिंटर रेडी हो चुका है हमारा। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।